أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير وناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हमने और आपने सूरह मोमिन जिसका दूसरा नाम सूरह गाफिर भी है इसकी आयत नंबर 60 के जरिए से ये समझा के दुआ करना एक इबादत है और ये एक ऐसी इबादत है कि जिसको अगर कोई अंजाम न दे और इससे मुंह मोड़ ले मुस्तकबिर हो जाए गुरूर करे कि हमें नहीं मांगना है अल्लाह उसके लिए कहता है सैयद खुलूना जहन्नम दाखिरीन हम उसको जहन्नम में दाखिल कर देंगे और हम सब जानते हैं कि खुदा ने हम सबको इबादत के लिए ही पैदा किया है जैसे कि परवरदिगार आलम ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून हमने नहीं पैदा किया जिन को और इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें और सबसे खूबसूरत इबादत अल्लाह की बारगाह में मांगना है खुदा की बारगाह में दुआ करना है शायद यही वजह है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने चाहने वाले जिनका नाम सैफ तम्मार है उनसे फरमाते हैं अलैकुम बिद्दुआ फइन्नकुम ला ततकर्रबून बिमिस्ले ऐ सैफ तम्मार दुआ किया करो क्योंकि दुआ जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सके सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब वही होता है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा मांगता है जो दुआ करता है और जो दुआ नहीं करता वो खुदा की बारगाह से दूर होता है वो कभी खुदा के करीब नहीं हो सकता जैसा कि सूरह अलक आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रहुस्तगना वो सरकशी करता है जो खुद को बेनियाज समझता है और जो सरकशी करे वो कभी अल्लाह के करीब नहीं हो सकता वो हमेशा अल्लाह की बारगाह से दूर हो जाता है लिहाजा इस मकाम पर रुक कर खुदावंदे करीम की बारगाह में दुआ करती हूँ माबूद हकीकी इस माह मुबारक रमज़ान में हम जो इबादतें अंजाम दे रहे हैं उसे अपनी बारगाह में तू कबूल कर लेना और हमें बेहतरीन इबादत गुजारों में शुमार करना सबसे पहली दुआ भी यही है आखिर दुआ भी यही है माबूद हकीकी यूसुफ जहरा के जहूर में ताजील फरमा तमाम रोज़ादारों से मेरी इल्तिमास है कि वक्त अफ्तार चाहे हर दुआ को भूल जाइएगा मगर जहूर इमाम की दुआ फरामोश न कीजिए इसलिए कि अफ्तार के वक्त जब रोज़ादार दुआ करता है उसकी दुआ परवरदिगार आलम रद्द नहीं करता लिहाजा सब मिलकर एक ही वक्त में अफ्तार के वक्त जब एक साथ कहेंगे ना अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज परवरदिगार आलम इस दुआ को जल्दी मुस्तजाब करेगा और मुंजिए बशरियत को जो आलम बशरियत को नजात देने वाले जुल्म से इंशाल्लाह उनको ज़ुहूर का हुक्म देगा। अब हम दुआ के अरकान को समझते हैं सबसे पहले ना दुआ के क्या रुकन होते हैं हर चीज़ के हर इबादत का रुकन होता है ना इसी तरह दुआ चूंकि एक इबादत है तो इसके भी रुकन है 4 रुकन बताए गए दुआ के जिनमें सबसे पहले है मदऊ मदऊ यानी खुदावंदे करीम जिससे हम मांग रहे हैं दूसरा रुकन है इसका दुआ करने वाला जिसे हम दाई कहते हैं दाई यानी पुकारने वाला यानी हम तीसरा रुकन है इसका दुआ यानी गिड़गिड़ाना मांगना उसको कहते हैं दुआ और चौथा रुकन है इसका मदऊला मदऊला उस चीज को कहते हैं जो दुआ के अंदर मांगी जा रही जो चीज है ना वो मदऊला है ठीक है तो ये 4 रुकन है अब इन चारों को हम थोड़ा सा आसानी से समझते हैं सबसे पहले हम देखें कि मदऊ कैसा है जिससे हम मांग रहे हैं वो कैसा है
अगर उस रब को समझना है जिससे हम मांग रहे हैं तो हमें कुरान का सहारा लेना होगा। जगार आलम के लिए कहा गया, अलम सालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावात वल अर्ज। वो ऐसा परवरदिगार आलम है जो गनी मुतलक है और जमीन और आसमान का मालिक है। दूसरे मकाम पर इस मदऊ की तारीफ ऐसे की गई कि वो परवरदिगार आलम इन्ना हादा रज़कना मालहू मिन नफाद, यानी वो ऐसा रब है कि जो अपने खजाने में से जब किसी को देता है तो उसका खजाना कभी कम नहीं होता, उसके खजाने में देने से कोई कमी नहीं आने वाली है, वो ऐसा है। अब हम देखें दाई कैसा है, दाई यानी पुकारने वाला, हम और आप कैसे हैं, अल्लाह से मांगने वाला कैसा है। उसके लिए सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38 में परवरदिगार आलम ने फरमाया, वल्लाहुल गनीयु व अंसुमुल फकरा, अल्लाह बेनियाज है और तुम सब फकीर हो, तुम सब मोहताज हो। मांगने वाले क्या है, मोहताज है, मांगने वाले क्या है, फकीर है। मदऊ कैसा है, गनी है, बेनियाज है, सही। अब तीसरा रुकन जो है इसका दुआ यानी मांगना यानी गिड़गिड़ाना। माबूद हकीकी की बारगाह में जब एक बंदा मुज़्ज़तर होकर गिड़गिड़ाता है, बेकरार होकर गिड़गिड़ाता है, तो फिर याद रहे कि इस्तरार और कबूलियत में कोई फासला नहीं रह जाता। यानी बेकरारी, मुस्तर होकर तड़प कर मांगना और फिर कबूलियत में कोई फासला नहीं, फौरी तौर पर परवरदिगार आलम दे देता है। और यही वजह है कि कुरान मजीद की जब ये आयत सूरह नमल की आयत नंबर 62 एक मुज़्ज़तर बेकरार इंसान पढ़ता है और कहता है, अम्मा युजीबुल मुज़्ज़तर्रा इज़ा दाहू व यक्शिफुस्सू, तो परवरदिगार आलम उसे फौरन अता करता है। मुस्तर और बेकरार होकर जब उसने मांगा और कहा कि कौन है जो मुस्तर की दुआओं को सुनने वाला है, तो माबूद हकीकी उसे फौरन अता करता है। ये तीसरा रुकन है दुआ का। और चौथा रुकन जो है वो क्या है, मदऊला, जो चीज दुआ के अंदर मांगी जा रही है उसे कहते हैं मदऊला। अब अल्लाह से क्या मांगा जाए, मदऊला हमारा क्या हो, उलमा कहते हैं अपनी छोटी छोटी चीजों को भी परवरदिगार आलम से तलब करो, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने अपने घर में जानवरों को पाला है तो उस जानवर के चारे को भी अल्लाह से तलब करो, परवरदिगार आलम से अपनी हर छोटी बड़ी हाजतों के लिए माबूद हकीकी को पुकारो कि वो पुकारने वालों को दोस्त रखता है, वो आवाज देने वालों को दोस्त रखता है। परवरदिगार आलम बहुत ज्यादा इस बात को पसंद करता है कि उसको पुकारा जाए, उसको उससे मांगा जाए, उससे तलब किया जाए। अब एक और बात हम समझते हैं कि हम ये चार चीजें समझ चुके कि दुआ के चार रुकन होते हैं। अब कुरान मजीद में ना खुदा की बारगाह में हाजिरी के भी चार मरहले बताए गए हैं कि हम जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो उसके भी चार मरहले हैं, वो चारों मरहले हमें तय करने फिर हम अल्लाह की बारगाह तक पहुंच सकते हैं। जिसका सबसे पहला मरहला है ईमान, दूसरा मरहला है शुक्र और तीसरा मरहला है इस्तिग़फ़ार और फिर चौथा मरहला है दुआ। यानी ये तीन मरहले तय करने के बाद चौथा मरहला होता है हमारा दुआ करने का। ईमान और शुक्र को हम सबसे पहले देखें तो सूरह निसा आयत नंबर 147 में कहा गया, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिका इन शकरतुम व आमनतुम, खुदा तुम पर अजाब करके क्या करेगा अगर तुम शुक्र करते हो और तुम साहिब ईमान हो।
शुक्र और ईमान का दर्जा कितना बुलंद है कि अल्लाह कहता है कि अगर तुम शुक्रगुजार हो और ईमान वाले हो तो खुदा तुम पर अजाब नहीं करेगा। अगर हम इस्तिग़फार के बारे में देखें कि जो इसका तीसरा मरहला है जब पहुंचने का दुआ तक, तो वो सूरह अनफाल आयत नंबर 33 में अल्लाह ने कहा वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, खुदा उन पर अजाब नहीं करता जो तौबा और इस्तिग़फार करते हैं। यानी अगर अल्लाह की बारगाह में जाना है, तलब करना है, मांगना है, तो पहले मरहले पर ईमान के साथ, दूसरे मरहले पर शुक्र के साथ, तीसरा मरहला होगा इस्तिग़फार। क्योंकि अल्लाह कहता है कि अगर तौबा और इस्तिग़फार कोई करता है तो हम फिर उस पर अजाब नहीं करते। और अब चौथा मरहला क्या है? दुआ का, जिसके लिए सूरह फुरकान आयत नंबर 77 में अल्लाह ने कहा قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ, पैगंबर कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआएं न होती तो तुम्हारी अल्लाह कोई परवाह ही न करता। ये तुम्हारी दुआ है जिसकी वजह से खुदा तुम्हारी परवाह कर रहा है, ये तुम्हारी दुआ है जिसकी वजह से खुदा तुम पर नजरे करम करता है, तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें मुसीबतों से बचा रखा है, तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें आफतों से महफूज रखा है, ये तुम्हारा मांगना अल्लाह को इतना पसंद आता है कि खुदावंदे करीम ने इन दुआओं की वजह से तुम पर कोई अजाब नाजिल नहीं किया है और वो तुम्हारी परवाह करता है। कितना खूबसूरत जुमला है ना कि पैगंबर कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआ ना होती तो हम तुम्हारी परवाह ही नहीं करते। लिहाजा इन बातों का ख्याल करते हुए खुदा की बारगाह में मांगे, बहुत ज़्यादा मांगे, क्योंकि ये मुबारक महीना मांगने का महीना है। खुदावंदे करीम हमें सब कुछ अता करेगा जो कुछ हम उसकी बारगाह में उम्मीद के साथ मांगेंगे, यकीन और ईमान के साथ मांगेंगे इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ के खुदावंदे करीम ज़ुहूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फरज। माबूद हकीकी की बारगाह में बस यही फरियाद करते हैं, खुदा बंदे करीम उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।